नई तर्ज है और नई है जुबां, हकीकत फसाना कहानी बयां, अजब हादसों की गजब दास्तां, मुकद्दर का और इश्क का अगर देखने पाऊं उसको जरी, खबर उसको होगी मैं कैसी परी, मिले तो खा जाऊं कच्चा जैसे मौत हो। चल देख ले, अब कौन बचाएगा तुझे, एक जलवा तो दिखा दे मेरे यार का। उठो देखना वो आएगा, नहीं आएगा तो कहां जाएगा। तेरे हिजर में आ देख, तेरी बद्र मुनीर का क्या हाल हुआ है। कोई है जो मुझे यहां से बाहर निकाले, किसी के कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, कोई है, कोई है, कोई है। अपना ख्वाब देखा है क्या? देख तो कैसे पसीना पसीना हो रही है तू। वो एक गहरे कुएं में कैद है, वो सर पटक पटक कर मुझे याद कर रहा है, वो मेरी खातिर अपनी जान दे रहा है। नजमुन्निसा, मैं क्या करूं, क्या करूं? कहां, किस कुएं में कैद है वो? एक सहरा में, चारों तरफ हू का आलम है, इस रेगिस्तान की हवाओं से लड़ता हुआ एक पहाड़ जैसा देव उसे घसीट कर ले जा रहा है। कहा उसने रो रो के अहवाल ख्वाब, रुलाया इसे पढ़ के गम की किताब। सुना जब की नजमुन्निसा ने ये हाल, हुई बेकरारी तब उसको कमाल। लगी कहने वो
यूं ना सुबह तेरे वास्ते मैंने सब दुख सहा बस अब सर बसहरा निकलती हूँ मैं यूं ना सुबह तेरे वास्ते मैंने सब दुख सहा घबरा नहीं बस अब सरबसहरा निकलती हूँ मैं उसे ढूंढ लाने को चलती हूँ मैं जो बाकी रहा मेरे दम में दम तो फिर आके देखूंगी तेरे कदम अगर मर गई तो भला से मुई क्यों जानियो कि तुझ पे सदके हुई मेरी हमराज मेरी बहन मेरी रफीक हुई मैं तो इस चाहे गम में गरीक भली चंगी नखो अपनी जान तो वो है एक मारुक परी और इंसान तू रसाई तेरी क्यों कर होगी वहां तुझे पी न दे हाथ से मेरी जान मैं जीती हूं इस आसरे पर फकत कि होता है तुझसे मेरा गम गलत मैं जानती हूं सब उस बेसहारा को कैद से किसी तरह छुड़ाना तो है नहीं नहीं मैं रो रो के मर जाऊंगी इसी तरह जी से गुजर जाऊंगी बता तो बता क्या कीजिए फिर भला पड़ी अब तो सर पर ये अपने भला मैं इस इश्क का न समझी थी डोल तेरे दम से आने लगा मुझको हौल तुझे देखना यूं गवारा नहीं इस अंदोह का मुझको चारा नहीं ये कह उसने रो रो उतारा सिंगार किया अपने पिशवास को तार तार गिरेबां को मिसले गुल चाक कर दिया खाक पर फेंक इधर उधर फिर आए जो कुछ होशो हवास सजा तन पे जोगन का उसने लिबास पहन सैली और गेरवा ओढ़ खेस चली बन के सहरा को जोगन के बेस मली राख सारी बदन के तई रखा दमदमा अपने तन के तई लटें दे के बल दोष पर मोड़ दें वो बागें सी सब देश की छोड़ दें जमरुद की सिमरन को हाथों में डाल और एक बीन कांधे पे अपने संभाल चली बन के जोगन वो बाहर के तई दिखाती हुई चाल हर हर के तई वो रुखसत जो इस तरह होने लगी तो वो साहिब खाना रोने लगी Ah!
सी ऐसी सहेली होगी जो किसी के लिए अपनी जान पर खेलने जाएगी। जाहक को मैंने सौंपा तुझे, चली जिस तरह पीठ अपनी दिखा उसी तौर दिखलायो मुंह फिरा। खुदा के तय मैंने सौंपा तुझे। अच्छा अलविदा, अब तो जाती हूं मैं, छुपाती हूं उसको तो लाती हूं मैं। जुदा होके अलग सा रो तू को छोड़, चली अपने घर बार से मुंह को मोड़। न शुद्ध बुद्ध की ली और न मंगल की ली, निकल शहर से राह जंगल की ली। लिए बीन फिरती थी सहरा नवर्द, तन चाक चाकुर रुख जर्दो जर्द, कि शायद कोई शख्स ऐसा मिले कि जिससे वो शैदा शैदा मिले। जहाँ बैठ कर वो बजाती थी बीन, तो सुनने को आते थे आहोए चीन। बजाती वो जोगन जहाँ जो गया, तो वहाँ बैठती खलक धुनी लगा। यहाँ तक कि राह में जो थे नक्श पा, वो बैठे थे कान अपने उधर लगा। ये हर जा पे था इसके दम से तलिस्म, बंधाता इसे दम कदम से तलिस्म। शबो रोज सर गश्ता मिसले सबा, इसी तरह फिरती थी वो जा बजा। हजारा सुहाना सा एक दश्त था, कि एक शब हुआ इसका वहाँ बिस्तरा। वो थी इत्तेफाकन शबे चारदा, अदा से वो बैठी थी वहाँ रश के माँ। बिछा मृग शाले को और लेके बीन, दो जानों संभल कर वो जोहरा जबीन। कदारा ये बजने लगा इसके हाथ, कि माँ ने किया दायरा लेके साथ। बंदा इस तरह का जो इस दम समा, सबा भी लगी रक्स करने वहाँ। वो सुनसान जंगल वो नूरे कमर, वो यराक सा हर तरफ दश्तो दर। दरख्तों के लग लग के बादे सबा, लगी वजद में बोलने वा हवा। यहाँ का ये आलम था और तोर ये तस्पू पर मजा, तुम सुनो और ये, कि था एक परिजाद फरख सीर, जिन्हों के वो था बादशाह का पिसर। निहायत तरादार साहिब जमाल, बरस बीस इक्कीस का सनो साल। हवा पर उड़ाए हुए अपना तख्त, किस तरफ जाता था फेरोज बख्त। यकायक सुनी बीन की जो सदा,
वहीं तख्त ला उसने रखा अपना। नजर हुस्न पर गह गहे बीन पर सराफा दिल इसका महजबीन पर। वो जोगन जो थी दर्दो गम की असी हुआ गम में जोगन के ये भी फकीर। वाह मुजस्सम रागनी की मूरत। कौन कौन है तू? तुम्हारा तुम्हारी रागनी का हसी। खबरदार चला जाए यहां से वरना फूंक मारकर भस्म कर दूंगी। वो तो मैं पहले ही हो चुका हूं। लगता बनावट का ये भेष है बुरा ना हो जोगी जी आदेश है। पड़ा ऐसा तुम पर कहो क्या बिजो लिया वास्ते किसके तुमने ये जो। किधर से तुम आए हो कहाँ जाओगे दया अपनी हम पर भी फरमाओगे। मुझे यूं न देख हर बोल हर जिधर से तू आया चला जाओ उधर। सुना तूने जा जोगन को यूं तंग न कर जा। ना ओखे हो इतना भला जाऊंगा जरा बीन सुनकर चला जाऊंगा। चाहो ते सोतों से अपने कहो फकीरों को छेड़ो ना बैठे रो। जोगन के भेस में मलबूस नजमुन निसा के साथ इस गुफ्तो शुनीत के बाद फरुख सैयद वहीं पर बुत बना बैठा रहा। छोड़ो मुझे छोड़ो हम अपनी मुसीबतों में पहले ही गिरफ्तार हैं। खुदारा हमें और गिरफ्तार न करो छोड़ दो हमें। जमीन से उड़ा आसमां के तई वो कितना कही कि नहीं रे नहीं। न माना और उसने उड़ाया उसे परिस्थान में ला बिठाया उसे परिस्थान में ला बिठाया उसे। मेरे महबूब मेरे हाल पर रहम कीजिए। कोई गम नहीं हर तरफ अमनो अमान है फिर भी मुझे नींद नहीं आती ना दिन को और ना ही रात को। और उस पर कह रही है कि दो दिन से मेरे लगते जिगर फारुख सियर की कोई खबर ही नहीं। कहां है किस तरफ को गया है। अब ये जोशिंदा नोश फरमाई जो कि हकीम साजिक ने भेजा कह रहे थे इससे मुकम्मल आराम आ जाएगा। खाक आराम आ जाएगा दरियाफ्त करो कि मेरा लगते जिगर किस तरफ को गया है। शहजादा फरक्सीर आ गए शहजादा फरक्सीर आ गए शहजादा फरक्सीर आ गए शहजादा फरक्सीर आ गए। आ गया आ गया आ गया हमारा लगते जिगर आ गया। देख लेना हमारी मलिका से मिलने से पहले यहां आकर हमारे इस बेचैन दिल को कुछ करार दे। कदम बोसे की इजाजत चाहता हूं अबा हुजूर। मुझे माफ कीजिए मैं उस दिन वापस ना आ सका हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे।
खैर, कजा ने हमारे दर्द गम का इलाज भेजा है, इसीलिए आने में देर हो गई। ये कौन है? इस जोगन को कहां से उठा लाए? अभी अर्ज करता हूं मैं आपसे, जरा आप आराम से बैठ जाइए। जोगन है एक साहिबे कमाल, जरा बीन सुनिए और इसके ख्याल। बहुत आप इससे उठावें शिफा, सभी रोग सभी गम होंगे दफा। बाबा मेरे ये बहुत खूब है, हमेशा से राग अपना मरगूब है। हर 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 हर। आओ आओ जोगन, बैठो इधर, करो रोशन अपने कदम से ये घर। अल्लाह ने हमको सब कुछ दिया, मगर मेरी नींदे चुरा ले गया। हर 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 हर। तू घबरा नहीं, वो लौट आएगी, परी नींद की जरूर लौट आएगी। यूं नजमुनिसा जो के जोगन के भेस में थी, गोशा नशीनी की जिंदगी गुजारने लगी। वो एक मखसूस अता करदा कमरे में रहने लगी और अमूमन अपना दिल रिझाने के लिए बीन बजाती थी। और आहिस्ता आहिस्ता बीन की ये सुरीली आवाज फिरोज शाह के महल तक पहुंची और इस आवाज के असर से शब बेदारी का जो मर्ज उसे लाहक था, वो मर्ज होता चला गया। अगर तुम जरा खोज उसका करो तो शायद मदद से तुम्हारी मिले। बड़ी देर से बैठे थे बेकार हम, कोई मुश्किल से मुश्किल काम दीजिए ताकि हम में तवनाई लौट आए। एक एहसान ये मुझ पे करो कि परिस्तां में इसका चर्चा ना हो। चाह के दहाने पर एक बड़ा तिलस्मी पत्थर था, वो ऐसा कि हिलाने से ना हिल सकता था वहाँ। भला चाहती है तो उसको निकाल, कुएं में रखा है जिसे तूने डाल। हमेशा से जिंदा है और जावेदा।